नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंजीत जी हैं, जिनका कहना है कि पिछले 20 सालों से इस डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनको कैसा माहौल लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था का। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मंजीत। मंजीत जी आप 20 सालों से बताया आपने आ रहे हो आप यहाँ पर, कैसा माहौल लगता है मैम आश्रम का? यहाँ जैसा माहौल सो मैम कहीं मिलेगा ही नहीं जैसा यहाँ पर है, और इतनी सुविधा यहाँ पर मिलती है। 20 सालों से हम आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, वो भी यहीं पर सेवा सिमन के साथ जुड़े हुए हैं। हमें इतना कहीं भी नहीं मतलब सुरक्षा या कहीं भी नहीं वो मिली जितनी यहाँ पर मिली है सुविधा। मैम यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी है? यहाँ जैसी तो कहीं भी नहीं मिलेगी मैम, कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं स्कूल कॉलेज होटल कहीं भी मतलब, या कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी नहीं मिलेगी जैसी हमें यहाँ मिलती है। यहाँ तो हम अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई एक, अपने घर से भी ज़्यादा, अपने परिवार से भी ज़्यादा हमें यहाँ से सुविधा मिलती है। मैम जो भी मीडिया में दिखाया गया था सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में, उसके बारे में क्या कहना? वो सब बकवास है, सभी गलत है, सभी फुआ है, इसके बारे में तो हम एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। और हमारे गुरु जैसा तो कोई गुरु दुनिया में हो ही नहीं सकता, ऐसा इंसान मतलब ऐसा सच्चा पक्का गुरु राम रहीम सिंह चिंसा, इतने भलाई मानवता के काम उन्होंने करवाए हैं, आज भी कर रहे हैं, और हम पूरे उससे डटे हुए हैं। जो भी हमें वो से दे के गए हैं शिक्षा, हम उन्हीं वचनों पर ही पूरे कायम हैं। हमारी ज़िंदगी तो बन गई है, नहीं एक पहले ऐसे लगता था जो कुछ भी नहीं है, उस दिन के हमें नाम दाम की दात मिली है, हमारी ज़िंदगी में एक उजाला सा आ गया है, जैसे खिल सी गई है ज़िंदगी, किसी चीज़ की कमी नहीं। और आज भी हमें कोई मतलब वो नहीं है, ऐसा तो है ये सरकार इतनी गंदी है, इतना कुछ किया है ये तो महसूस है, पर नहीं आज भी हमारे गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे पास है, हमें ओवर टाइम दर्शन भी देते हैं, ऐसी कुछ नहीं। हमारे सारे काम, सारे घर के सारे, जैसे हम छोड़ के आते हैं सारे हमारे खुद संभाल करते हैं, हमें तो कभी भी नहीं महसूस। क्या किया मैम उन्होंने लोगों के लिए, किस तरीके के काम? इतना कुछ तो किया है मैम, इतना कुछ तो दुनिया में इतना कुछ उतार लाना है, जैसे किन्नरों की, उनको भी, किन्नरों को भी आज देखो, कभी सुना है किन्नरों के जुड़ते हुए ऐसे उनकी शादियों, उनको खूनदान ब्लड करते, किन्नर इतने रोते थे यहाँ पर, आज उनको गर्व है, किन्नरों को भी हमें मिले थे, अभी ऐसा बाप हमें मिला है, हमें गर्व है, हमें कहीं भी नहीं नाम मिला हमारे पीछे, उन्हें मतलब को भी जीतती है इस पीछे, जैसे सरकार किन्नरों पीछे को चलाया था, फिर पिताजी इस पीछे भी एक केस जीते हैं, आज उन्हें भी इतना गर्व है मैम हम बता नहीं सकते। जरूरत लगती है मैम संत जी की समाज? बिल्कुल ज़रूरत है, पर ये सरकार ना बिल्कुल अंधी हुई बैठी है, पता नहीं क्यों नहीं ऐसा कुछ सोचती है। हमें तो इतना मतलब इतनी ज़रूरत है हम कह नहीं सकते। हमारा क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? हम तो सरकार से यही मांग करते हैं भी अपनी आंखों खोलो और ऐसे संत को अंदर रखना, कहीं ऐसा ना हो आपको महंगा ना पड़ जाए और आप कल को रोने पछताने से आपके पास कुछ नहीं बचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जनता की अपील मांग के संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।